हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर टू जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मीनिंग है कि जो फूड है वो किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें हमें पढ़ना है जो फूड के कंपोनेंट्स हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स से फूड मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड रफेज, यानी हमारा जो मेनली फूड है उसमें ये सारे कंपोनेंट्स होना नेसेसरी होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अ कार और एनी व्हीकल रिक्वायर्स फ्यूल टू रन, लाइकवाइज कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट असेंशियली नीडेड बाय आर बॉडी। जिस तरीके से एक कार को रन करने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी का मोस्ट असेंशियल एलिमेंट है या मोस्ट असेंशियल कंपोनेंट है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो इजीली डाइजेस्टिबल होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत सारे वेरियस एक्टिविटीज हमारी बॉडी में करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी हमारी बॉडी में अगर एनर्जी सबसे ज्यादा किसी कंपोनेंट से मिलती है तो वो है कार्बोहाइड्रेट। हमें अगर कभी ऐसा वीक फील हो रहा हो और हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें क्या प्रेजेंट हो, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के दो फॉर्म्स होते हैं, शुगर और स्टार्च। जो शुगर है वो मेनली फ्रूट्स में भी एप्पल, मैंगो और ऑरेंज, मिल्क, हनी और शुगर केन। और जो स्टार्च है वो पोटेटो, राइस और वीट में प्रेजेंट होता है। कॉर्न और मेज में भी जो है वो स्टार्च प्रेजेंट होता है। यहाँ पे साइंस बिट्स में आपके शुगर के टाइप्स दे रखे हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एटसेट्रा। ये सारी शुगर अलग अलग चीजों में प्रेजेंट होती है। जैसे ग्लूकोज जो है वो आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या ऑप्टेन करते हैं, ग्लूकोज। हम जब उस ग्लूकोज को फ्रूट्स के फॉर्म में ऑप्टेन करते हैं तब वो ग्लूकोज जो है रेस्पिरेशन के थ्रू हमें क्या देती है, एनर्जी। फ्रक्टोज जो है वो भी फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। सुक्रोज जो है वो जनरल हमारा जो शुगर हम घर पे यूज करते हैं वो सुक्रोज है। लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होता है। माल्टोज जो है वो वीट में प्रेजेंट होता है। तो ये सारी क्या है, शुगर के टाइप्स है जो अलग अलग फूड कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ये एक एक्टिविटी है जो स्टार्च को टेस्ट करने के लिए है। हम क्या करेंगे, हमने फूड आइटम लिया है कुछ भी, जैसे पोटैटो हमने लिया है, पोटैटो लेकर हमने उसको पोटैटो को एक टेस्ट ट्यूब और होल्डर लिया है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने पोटैटो के कुछ पीसेस डाले हैं जिसमें हमने क्या डाला है, थोड़ा सा आयोडीन। जैसे ही हम आयोडीन डालेंगे, आयोडीन की 2-3 ड्रॉप्स जैसे ही हमने डाली, जो पोटैटो के साथ जो आयोडीन है वो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देगा। ये बताता है स्टार्च की प्रेजेंस को, यानी अगर स्टार्च किसी भी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च किसी भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च कभी भी आयोडीन के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो कैसा कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटीन। हमारी बॉडी का जो 1/5 पार्ट है वो किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो ज्यादातर किससे बने रहते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये कंपाउंड्स हैं जिनसे क्या मिलकर बना होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोटीन। क्या क्या है वापस से रिवाइज कर लो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये किसमें हेल्प करते हैं, बॉडी ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर, डाइजेशन में। प्रोटीन जो है वो नई सेल्स को बनाने में, ओल्ड डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है। प्रोटीन जो है वो ग्रोइंग चिल्ड्रंस के लिए और ओल्ड और सिक पीपल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। अगर बॉडी में सबसे ज्यादा तो स्ट्रेंथ डेवलप होती है वो प्रोटीन से होती है। इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ऑल्सो गिव अस एनर्जी। प्रोटीन भी हमें एनर्जी देता है, लेकिन और ये जो प्रोटीन जो है वो एनर्जी का टर्शरी सोर्स कहलाता है। क्यों, क्योंकि अगर हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कार्बोहाइड्रेट। अगर हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है तो वो सेकेंडली फैट से एनर्जी गेन करते हैं, यानी फैट को कन्वर्ट करके और एनर्जी फॉर्म करती है हमारी बॉडी। अगर नहीं होता है फैट भी तो उसके बाद प्रोटीन को यूज करती है हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एनर्जी को फॉर्म करने के लिए। इसीलिए जो प्रोटीन है उसे क्या कहा जाता है, टर्शरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्सेज, यानी एनिमल से कौन कौन सा, मतलब कौन कौन सी एनिमल से चीजें ऐसी मिलती है जिनमें प्रोटीन होता है, तो मीट, एग, फिश, मिल्क एंड चीज। प्लांट सोर्सेज, पीनट, सोयाबीन, पीज, बार्ले, वीट, कॉर्न, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स एटसेट्रा। इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। अब ये एक एक्टिविटी है जो प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए है। हमने क्या लिया है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड लिया है, टेस्ट ट्यूब ली है, वाटर लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और कास्टिक सोडा सॉल्यूशन लिया है।
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कास्टिक सोडा सॉल्यूशन को हम पहले प्रिपेयर करेंगे लेबोरेटरी में। कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो हमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट 100 ml वाटर में डिजोल्व करना है, जिससे क्या बनेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फिर हमें कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बनाने के लिए 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml वाटर में डिजोल्व करना है। फिर दोनों सॉल्यूशन बनाने के बाद हमें टेस्ट ट्यूब में थोड़े से अमाउंट में क्या लेना है, जो भी हमें फूड आइटम टेस्ट करना है वो लेना है। उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप्स वाटर डाल के इसको शेक करना है, जिससे कि उसका सॉल्यूशन फॉर्म हो जाए। उसके बाद हमें इसमें 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की डालनी है और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा की डालनी है। उसके बाद क्या होगा, इन सब के आपस में रिएक्ट करने से ये कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा, जो कि बताएगा कि किसकी प्रेजेंस है, प्रोटीन की। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फैट। फैट जो है वो होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कार्बोहाइड्रेट के बाद जो एनर्जी गिविंग कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए वो कौन सा है, फैट। फैट भी क्या देते हैं, एनर्जी। ये कार्बोहाइड्रेट के कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी गिविंग कंपोनेंट है। हमारी जो बॉडी है, जब भी कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट लेस हो जाता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी हमारी स्किन के अंडर साइड पे जो फैट स्टोर रहता है, उस स्टोर फैट का यूज करती है किसके लिए, एनर्जी को फॉर्म करने के लिए। इसीलिए जो फैट है उसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो स्टोर्ड फैट है ये हमारी बॉडी को वार्म रखने में भी हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा फैट खाने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर फैट कंपोनेंट हम हमारे फूड में यूज़ करेंगे तो उससे क्या होता है, ओबेसिटी से हमें ओबेसिटी को अपनी उसमें, मतलब हमारी बॉडी एक तरह से ओबेस हो जाती है, मोटापा आ जाता है, जिससे कि क्या होता है हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाती है, हमारा ब्लड फ्लो इजीली नहीं होता है, और इससे हाई ब्लड प्रेशर की हमें शिकायत हो सकती है। अब फैट के सोर्सेस कौन कौन से हैं, फैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फैट जो है वो प्लांट से भी मिल सकता है और एनिमल से भी मिल सकता है। तो प्लांट सोर्सेज में ग्राउंडनट ऑयल, ज्यादातर ऑयल्स में फैट प्रेजेंट होता है, तो ग्राउंडनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड, कोकोनट और अदर वेजिटेबल ऑयल्स, आमंड और कैश्यू नट्स में भी क्या प्रेजेंट होता है, फैट। नेक्स्ट क्या है, एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में मीट, फिश, एग, मिल्क, बटर, चीज, क्रीम, घी, इन सब चीजों में क्या प्रेजेंट होता है, जो ये सारी चीजें हमें किससे मिलती है, एनिमल से, और इन सब चीजों में क्या प्रेजेंट होता है, फैट। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं विटामिंस। जो विटामिंस होते हैं ये भी एक मेन कंपोनेंट है फूड का, ये क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है। विटामिंस को और क्या कहा गया है, प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि ये बहुत सारी डिजीज से हमें लड़ने में हेल्प करता है। Because they help in protecting our body against disease, these are very essential for our body but are required in less quantity. ये हमारी body के लिए बहुत important है, पर उतनी quantity में हमें नहीं require होते हमारी body को, जितनी quantity में other components, जैसे main जो component है carbohydrate, protein, fat, वो चाहिए रहते हैं। They are essential for normal functioning of the body. They keep our skin, teeth, nervous system, bones and digestive system healthy. ये हमारे skin को, teeth को, nervous system को, बोन्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। बहुत सारे जो विटामिन्स हैं ये फूड के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं, और बहुत सारे विटामिन्स जो हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है, जैसे विटामिन डी जो है, विटामिन डी हमारी बॉडी सनलाइट की प्रेजेंस में खुद से फॉर्म करती है। यहाँ ये टेबल दे रखी है जिसमें विटामिन्स के टाइप, सोर्सेज और फंक्शंस के बारे में दे रखा है। विटामिन ए जो है वो स्पिनच, मैंगो, कैरेट, पपाया और मिल्क में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी में नॉर्मल नाइट विजन को प्रमोट करता है और ग्रोथ को प्रमोट करता है। विटामिन बी जो है वो पीज, मिल्क, बनाना, ग्रेन्स और बीन्स में प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ को प्रमोट करता है और लैक्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो मदर्स होती है डिलीवरी के बाद उनमें जो बेबीज को फीडिंग करवाई जाती है उसमें हेल्प करता है और हेल्दी ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। विटामिन सी आंवला, लेमन, ऑरेंज और टोमेटो और गुआवा में प्रेजेंट होता है, जो हमारे टीथ को, गम्स को हेल्दी रखता है और स्कर्वी जो डिजीज है, जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, उससे प्रिवेंट करवाता है। विटामिन डी मिल्क, बटर, एग और सनलाइट में प्रेजेंट होता है, जो नॉर्मल ग्रोथ और जो बोन्स और टीथ की नॉर्मल ग्रोथ को करवाता है। विटामिन ई स्पिनच, टोमेटो, बटर एंड स्प्राउटेड मूंग में प्रेजेंट होता है, जो कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ को मेंटेन करवाता है। विटामिन के कॉलीफ्लावर, कैबेज, टोमेटो और एग में प्रेजेंट होता है, जो कि इंजरी के टाइम पे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। जो विटामिन इजिली फैट में डिजोल्व हो जाते हैं उन्हें फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं, और जो विटामिन
वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हें वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। फैट सोल्यूबल के एग्जाम्पल है ए, डी, ई और के, और वाटर सोल्यूबल में पूरी विटामिन बी की सीरीज और विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन में आते हैं। विटामिन के सोर्सेस कौन से हैं? मिल्क, फ्रूट, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट कौन कौन से हैं? आंवला, लेमन और ऑरेंज, रॉ वेजिटेबल्स, फिश, मीट, सेरल्स। आर बॉडी प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मिनरल्स एंड सॉयल्स, ये भी मेन कंपोनेंट है हमारे फूड के। ये जो है दीज आर केमिकल्स कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एज वेल एज कैरिंग आर सर्टेन बॉडी फंक्शंस, बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को करवाते हैं। मिनरल्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस सच एज स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स, मेंटेनिंग अ नॉर्मल हार्ट बीट, ये बोन्स की को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं और नॉर्मल हार्ट बीट को प्रमोट करते हैं। फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ वी रिक्वायर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जो बोन्स और टीथ है उनको हेल्दी रखने के लिए हमें दो मेन मिनरल्स चाहिए। कौन कौन से? कैल्शियम, जिससे कि हमारी सारी बोन्स बनी हुई होती है, और उसके अलावा फॉस्फोरस, ये दोनों बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। सम अदर मिनरल्स मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, जिंक, कॉपर, फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब भी हमें हमारे फूड में नेसेसरीली चाहिए होते हैं। सोर्सेज क्या है मिनरल्स के? वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, पल्सेस, एग, मिल्क, फ्रूट, कॉमन सॉल्ट, मिलेट, नट्स एटसेट्रा। वाटर, हमारी जो 70% बॉडी वेट है वो किसकी वजह से होता है? वाटर की वजह से। वाटर हमारी सारी बॉडी सेल्स में प्रेजेंट होता है और जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है सबको करवाता है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट जितना भी है हमारी बॉडी का उसको रिमूव करने के लिए बॉडी से भी हमें क्या चाहिए? वाटर। और हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन रखने के लिए हमें चाहिए वाटर। हमें 6 to 10 ग्लासेस डेली वाटर कंज्यूम करना चाहिए। इट एक्ट एज सॉल्वेंट इन ऑल केमिकल रिएक्शंस, ये हम जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन अगर हम बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन के लिए जो वाटर है वो किसका काम करता है? सॉल्वेंट का। यहाँ एक एक्टिविटी है जो क्या देखने के लिए कर रहे हैं हम ये एक्टिविटी, टू शो दैट मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन वाटर, यानी मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर। अब हमने यहाँ पे पेपर लिया है, यहाँ टोमेटो की कुछ स्लाइस ली है, जैसे ही हम स्लाइस को पेपर के ऊपर रखेंगे और पेपर से थोड़ी देर में ही वापस प्लेट में लेंगे और पेपर को हम देखते हैं तो पेपर पे एक पैच बन जाता है जो कि किसकी वजह से होता है? वाटर की वजह से। नेक्स्ट कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं फाइबर, ये भी एक मेन कंपोनेंट है जो कि कम क्वांटिटी में चाहिए रहता है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम अबोव मेंशन न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम आर फूड, वी नीड टू हैव सम मोर असेंशियल कंपोनेंट इन आर फूड विच इज डाइटरी फाइबर्स। द डाइटरी फाइबर्स कंटेन ऑफ आर फूड इज कॉल्ड रफेज, जो भी डाइटरी फाइबर्स जिस फूड में प्रेजेंट होता है उस फाइबर को क्या कहते हैं? रफेज। विच प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, या कॉन्स्टिपेशन हमें नहीं होगा अगर हमारे फूड के अंदर कौन सा कंपोनेंट? रफेज या फाइबर प्रेजेंट है तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और हमारा जो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। विदाउट रफेज फूड कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय आर बॉडी, इट पासेस डाउन द एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक, हेल्प इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड एंश्योर प्रॉपर बॉल मूवमेंट। हमारी जो फूड का, हमारे एलिमेंट्रिक कैनाल में जो फूड का मूवमेंट होता है और हमारे इंटेस्टाइन में जो फूड का मूवमेंट होता है उसे इजीली कौन करवाता है? फाइबर। नॉट ओनली दिस, मैनी डॉक्टर्स बिलीव दैट अ हाई फाइबर डाइट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड बोल कैंसर, जो इंटेस्टाइन का कैंसर है और जो हार्ट डिजीज है वो भी, अगर फाइबर हम लेते हैं, फाइबर कंपोनेंट हमारे फूड में, तो इन दोनों चीजों से हमें बचाव हो सकता है। सोर्सेज क्या है फाइबर के? सैलेड, फ्रूट, कॉर्न, स्किन्ड ग्रेन, रॉ वेजिटेबल एटसेट्रा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? अभी अपन ने जिन जिन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा वो सारे कंपोनेंट्स अगर एक फिक्स प्रोपोर्शन में हमारे फूड में प्रेजेंट हो तो उस डाइट को क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट। अ बैलेंस्ड डाइट शुड कंटेन द फॉलोइंग, एक बैलेंस्ड डाइट में सब कुछ होना चाहिए। क्या क्या? एनर्जी गिविंग फूड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड आप जानते हैं कौन सा है? प्रोटीन। प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन और मिनरल्स, ये सब किस में होने चाहिए? बैलेंस्ड डाइट में। अब बैलेंस्ड डाइट के फंक्शंस क्या क्या है? अ हार्ड वर्किंग लेबर नीड्स मोर एनर्जी विच कैन गेट बाय ईटिंग मोर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। एक हार्ड वर्किंग लेबर को ज्यादातर क्या चाहिए? फैट और कार्बोहाइड्रेट, जिससे उन्हें ज्यादा एनर्जी मिल सके। अ चाइल्ड ग्रोज वेरी रैपिडली, फॉर दिस रीजन ही नीड मोर एंड मोर प्रोटीन्स इन हिज डाइट।
अभी अपन ने जो प्रोटीन में भी पढ़ा था कि जो ग्रोइंग चाइल्ड है उसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए, प्रोटीन. अ पर्सन डूइंग अ टेबल वर्क नीड्स लेस एनर्जी देन अ लेबरर. जो भी पर्सन टेबल वर्क करते हैं उन्हें कम एनर्जी चाहिए कंपेरेटिवली लेबर. अ पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम लॉन्ग इलनेस नीड्स मोर प्रोटीन रिच फूड. जो बहुत ज्यादा बीमार रह चुके हैं या बीमारी से अभी रिकवर किया है उन लोगों को भी ज्यादातर कौन सा फूड चाहिए, प्रोटीन रिच फूड. अ नर्सिंग मदर अ प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो नीड प्रोटीन रिच फूड. एक जो नर्सिंग मदर है जो बेबी को फीडिंग करवा रही है वो और जो प्रेग्नेंट वुमेन है दोनों को फूड कैसा चाहिए रहता है, प्रोटीन रिच. बिसाइड ह्यूमन बींग ऑल अदर एनिमल ऑल्सो नीड बैलेंस डाइट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ. ह्यूमन बींग्स के अलावा अदर एनिमल्स को भी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. क्यों? ताकि उनकी बॉडी के जो फंक्शंस है वो नॉर्मली हो सके. यहाँ कुछ फूड स्टफ्स दे रखे हैं, उनकी क्वांटिटी दे रखी है. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डिसऑर्डर इन डाइट. टू टाइप के डिसऑर्डर है अगर डाइट हम प्रॉपर ना ले तो, ओबेसिटी और मेल न्यूट्रिशन. अगर हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे या बहुत ज्यादा डाइट लेंगे तो उसकी वजह से हमें एक डिजीज डेवलप हो सकती है हमारी बॉडी में जिसे कहते हैं ओबेसिटी. कार्बोहाइड्रेट इज अ वेरी असेंशियल न्यूट्रिएंट बट ईटिंग टू मच ऑफ इट मे लीड टू इल हेल्थ. अगर हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट लेंगे उस वजह से क्या हो सकती है, ओबेसिटी. मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड गेट डिपॉजिट इनटू आवर बॉडी. ये जो कार्बोहाइड्रेट है अगर अपन बहुत ज्यादा लेते हैं तो ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी स्किन की जो लेयर है उसके अंडर साइड पे फॉर्म मतलब एक तरह से लेयर बना लेता है जिसे कहते हैं फैट की लेयर. तो उसकी वजह से क्या होता है, ओबेसिटी. ये ओबेसिटी की वजह से जो जितने भी पीपल से जिनमें ओबेसिटी है वो हार्ट प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है उन्हें और वो ज्यादातर एक्टिव नहीं रहते. नेक्स्ट है मेल न्यूट्रिशन. मेल न्यूट्रिशन होता है अगर हम न्यूट्रिएंट्स जो हैं फूड के सारे वो प्रॉपर हम फूड में नहीं ले रहे हैं उससे की वजह से हमारी बॉडी में वीकनेस वगैरह डेवलप हो जाती है, उस डिजीज को कहते हैं मेल न्यूट्रिशन. व्हाइल इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक फूड रिच इन वेरियस न्यूट्रिएंट यू मस्ट ऑल्सो बी अवेयर दैट लैक ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ फूड कैन कॉज सम डिसऑर्डर कॉल मेल न्यूट्रिशन. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डेफिशिएंसी डिजीज. डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है कि जितने भी फूड के कंपोनेंट्स हैं उनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए फूड के अंदर तो हमें कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं उनके बारे में और उनके सिम्टम्स के बारे में टेबल दे रखी है. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की मतलब कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, मेरिस्मस. और उसकी वजह से ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, बॉडी वेरी वीक हो जाती है, लॉस ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना. स्टेमिना बहुत ज्यादा वीक हो जाता है. प्रोटीन की डेफिशिएंसी से डिजीज होता है क्वाशियोरकोर जिससे स्टमक फूल जाता है, लेग थिन्स पतले हो जाते हैं, अगली पैच स्किन पे बहुत सारे पैचेस हो जाते हैं. नेक्स्ट है फैट जिसकी डेफिशिएंसी से डिजीज हो जाता है मेरिस्मस. ईची फैटिक और ड्राई स्किन जो होती है वो बहुत एकदम ईची हो जाती है, ड्राई हो जाती है. जॉइंट पेन, डिप्रेशन एंड इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हम किसी भी चीज पे, डिप्रेशन में आ जाते हैं और जॉइंट्स में बहुत पेन होता है. विटामिन ई की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात को क्लियरली विजन जो है हमारा क्लियर नहीं रहता है. ड्राइनेस ऑफ आईज में ड्राइनेस रहती है और आई इन्फेक्शन भी हो सकता है. विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी हो जाता है जिसे भूख कम लगती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, हार्ट एबनॉर्मेलिटीज, पेल स्किन, स्किन येलो हो जाती है. पेल स्किन मतलब इरिटेशन ऑफ आईज, फ्रिक्वेंट हेडेक जो है वो ज्यादातर रहता है. नेक्स्ट है विटामिन सी जिसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स इसके सिम्टम्स है, पुअर एपिटाइट, स्किन डिसऑर्डर. विटामिन डी से रिकेट्स होता है, सॉफ्ट बोन्स, पिजन चेस्ट, नॉक नीज एंड बो लेग्स. विटामिन ई की डेफिशिएंसी से रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, स्किन डैमेज हो जाती है, प्री मेच्योर एजिंग और लंग प्रॉब्लम्स हो जाती है. विटामिन के से हेमरेज हो जाता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम इंजरी. इसी टाइप से ये पूरी टेबल दे रखी है, आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हाउ टू मेंटेन द फूड क्वालिटी कुकिंग ऑफ फूड. फूड की कुकिंग करने से क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है उसके बारे में हमें पढ़ना है. तो एडवांटेजेस क्या है, फूड इज कुक्ड टू मेक इट ईजी टू डाइजेस्ट एंड टू किल जर्म्स. जर्म्स को किल करने के लिए और डाइजेस्ट ईजिली होने के लिए फूड को कुक किया जाता है. डिसएडवांटेजेस क्या है, कुकिंग रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. कभी कभी कुकिंग ज्यादा कर देने से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग. अगर हम कुकिंग में बहुत ज्यादा वाटर यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रोटीन और मिनरल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. विटामिन सी इजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग करने की वजह से.
some of important nutrients such as ascorbic acid, folic acid, which are susceptible to oxidation, are readily oxidized by brisk cooking. Cooking करने से easily oxidize हो जाते हैं. Minerals are also affected by high temperature. Minerals जो है अगर high temperature पे cooking की जाए तो उसकी वजह से सारे minerals जो है वो destroy हो जाते हैं. In some cases, flavor may be lost. By brisk cooking, excessive cooking may be also cause an adverse effect on the digestibility of the vegetables. ये आपका यही chapter खत्म होता है. Next video में हम next chapter पढ़ेंगे.